चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 20.7 रुपीज की, और बुक वैल्यू है 9.80 रुपीज की। पेट्रोस्की स्कोर है 3 का। 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी टेक्सटाइल और रियल एस्टेट के मार्केट में। स्टूडेंट के साथ इसका डिटेल कन्वर्सेशन हो चुका है एक बार, डिटेल डिस्कशन क्लास में। चलिए और इसमें देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, जो पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, -10.2% की लास्ट 5 ईयर से। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 0.78% का लास्ट 3 ईयर से। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। चलिए अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो 76 लाख का यहाँ पे नेगेटिव है, उसके पहले 14 लाख का नेगेटिव था, उसके पहले 32 लाख का, उसके पहले 1.3735 लाख का। तो इस तरीके से लगातार इनका नेगेटिव है। और हल्का सा प्रॉफिट हुआ था 7 लाख का 2023 मार्च में, उसके पहले फिर नेगेटिव था 62 लाख का। तो अब अगर अपन यहाँ ईयरली बेसिस पर देखें तो 2.58 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव है, फिर 22 लाख का पॉजिटिव है, फिर 3.50 करोड़ का नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर 37.40 करोड़ का अच्छा खासा पॉजिटिव है। अगर अपन यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग चीज, तो ये अपन ने क्लास में भी देखा था कि 2017 से लेकर के 2021 तक इनके अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे थे। उसके बाद से यहाँ प्रॉफिट ड्विंडल होने शुरू हुए, जो 2022 में 3.50 करोड़ हो गया, फिर 22 लाख हो गया, अब सीधा नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। उसके पहले देखें तो 2013, 2014 और 2015 में भी ये लगातार नेगेटिव में थे, फिर इनका नेगेटिव कम हुआ था 2016 में, फिर उसके बाद सीधा ये पॉजिटिव में आ गए थे। तो हो सकता है कि इसमें अपन आगे इस पे नजर रखें, अभी देखते हैं। चलिए और अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो 15 लाख का पॉजिटिव कैश फ्लो है, नेट पॉजिटिव कैश फ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो 5.08 लाख का यहाँ पे इनको, 5.08 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पॉजिटिव हाईएस्ट, और सबसे ज्यादा नेगेटिव जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4.84 करोड़ का। अब यहाँ पे अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 65.76% का प्रमोटर होल्डिंग है, कोई डीआईएस की होल्डिंग नहीं है, पब्लिक होल्डिंग 34.24% की। अगर अपन यहाँ होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग जो है यहाँ 64.82% से बढ़ करके 65.52% हुई थी 2019 से 2020, तो ये अच्छा रहा है। तो अब चलते हैं, चलिए एसजीएल की अगर अपन बात करें यहाँ चार्ट पे, चार्ट के ऊपर अगर अपन देखें तो बड़ा यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं अपने को, बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आउटर ब्लॉक्स बने हुए हैं। 31 के बाद ही हम कोई भी व्यू बना रहे हैं, और उसके पहले तो अभी चूंकि फाइनेंसिस भी इनके काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और अभी ये नेगेटिव में आ गए हैं अभी कंपनी इनकी, तो अपने को काफी केयरफुल रहना है। बाकी 31 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, हमेशा की तरह अपने एसएल का ध्यान रखेंगे, अपनी पोजिशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को और अच्छे से ट्रेडिंग सीखनी है और पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना सीखना है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं, हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।